हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टी एस टेलर पॉइंट में। आज के इस वीडियो में 32.5 इंच कमर की डबल प्लेट वाली पैंट की कटिंग सबसे आसान तरीके से देखेंगे। पैंट का एक बार नाप जान लेते हैं। लंबाई है 38 इंच, हिप है 36 इंच, कमर 32.5 इंच, मोहरी है 19 इंच और जांघ है 26 इंच। इन्हीं नापों से आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन करेंगे। इसके बाद पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 38 इंच, तो 1/2 इंच माइनस करेंगे और 37.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो हमारा तुरपाई वगैरह रहता है उसके लिए। इसके बाद यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम हिप के हिसाब से लगाएंगे, तो हिप है 36 इंच, 36 का 1/4 हिस्सा करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 इंच, और यहाँ पर 1/4 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच, क्योंकि ये हमारा प्लेटो वाली पैंट है तो 1/4 इंच प्लस करके हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जांघ का निशान लगाएंगे। जांघ है 26 इंच, तो 26 का 1/2 करेंगे तो 13 इंच। तो ये देखिए, कोर से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे ये इस तरह से, और 1/2 इंच यहाँ पर फ्लाई के लिए लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जितना हम यहाँ पर जांग पे निशान लगाए हैं 13 इंच, तो यहाँ पर भी हम 13 इंच पे इंची टेप को रखेंगे, और जितना फ्लाई के लिए लिए हैं 1/2 इंच, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से फ्लाई को राउंड कर लेंगे, और यहाँ पर हम फ्लाई को 1/2 इंच डाउन करेंगे। पैंट की कमर है 32.5 इंच, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 32.5 इंच। पेंट की कमर है 32.5 इंच, तो 32.5 इंच का 1/4 हिस्सा करेंगे तो 8 इंच और 1 सूत होगा, लेकिन हम यहाँ पर 3 सूत माइनस करके फ्रंट पार्ट को रखेंगे, मतलब 7.5 इंच रखेंगे। बाकी जो बचेगा हम उसको बैक पार्ट में कवर करेंगे, और यहाँ पर 1 इंच दबाव के लिए लेंगे तो 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 2.5 इंच प्लेट के लिए रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। हमने प्लेट के लिए लिया था 2.5 इंच, तो 2.5 का 1/2 करेंगे 1/4 इंच, तो हमारा 2 प्लेट रहेगा 1/4 इंच का, तो यहाँ पर हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच, फिर एक निशान 1/4 इंच का लगाएंगे। इसके बाद जितना हम जांग पे लिए हैं, ये देखिए 13 इंच, तो यहाँ पर भी हम मोहरी के पास 13 इंच पे इंची टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे। पेंट का मोहरी है 19 इंच, तो यहाँ पर 19 इंच का हम जब 1/2 करेंगे तो 9.5 इंच होगा, और 9.5 का 1/2 करेंगे तो 7.5 इंच। तो ये देखिए, सेंटर पॉइंट से 7.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, और 7.5 इंच इधर, तो टोटल होगा 9.5 इंच, और 9.5 को डबल करेंगे तो 19 इंच हमारा मोहरी निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राउंड फंटी से हम इस तरह से शेप देंगे। Thank you.
यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाए हैं उस पर कट लगा लेंगे। ये देखिए सभी जगह हम कट लगा लेंगे, यहाँ पर भी फ्लाई के पास कट लगा लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ को नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे तरफ को ऊपर की तरफ। यहाँ पर जांग के पास हम इस तरह से एक सीधी लाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा प्लेट वाला पैंट है, तो ऊपर की तरफ हाफ इंच पे एक निशान और लगाएंगे। और ये हम मोरी के पास भी हम एक सीधी लाइन कर लेंगे। जांग के पास हम 2.5 इंच लेंगे बैक पार्ट में, और मोरी के पास 1.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर भी हम राउंड फंटी से इस तरह से शेप देंगे। फ्लाई को जहाँ पर हम 1/2 इंच डाउन किए थे वहाँ पर हम बैक पार्ट में 1/4 इंच लेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर बैक पार्ट में हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर है 32.5 इंच, तो 32.5 इंच का 1/4 हिस्सा करेंगे, 8 इंच एक सूत होगा, लेकिन हमने 3 सूत माइनस करके 7.5 इंच लिया था फ्रंट पार्ट में, तो बाकी को हम बैक पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में 8.5 इंच लेंगे कमर का 1/4 हिस्सा, और 1 इंच डॉट के लिए तो 9.5 इंच। तो सबसे पहले 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे, उसके बाद कमर का 1/4 हिस्सा 8.5, फिर 1 इंच डॉट के लिए, फिर यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हिस्सा करेंगे 9 इंच, और 1 इंच लूजिंग लेंगे तो 10 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे, इसके बाद यहाँ पर 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से उंगली रखेंगे, और यहाँ पर बैक पार्ट में हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ से हम सीधा करेंगे हिप को, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाले लाइन को हम ये एक्स्ट्रा वाले लाइन से राउंड करेंगे, और नीचे वाले लाइन को हिप वाले लाइन से राउंड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम बैक पार्ट में कमर के पास इस तरह से कट लगा लेंगे।